दोस्तों, अगर आपने आज की ये वीडियो पूरी और ध्यान से देख ली तो आप 3 से 4 महीने में अच्छी बॉडी बना सकते हो, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको उन बातों के बारे में बताऊंगा जो लड़के ध्यान नहीं देते हो, फिर कहते हैं कि हमारी बॉडी नहीं बनती। दोस्तों, कई लड़के जिम करते हैं, अच्छी डाइट भी लेते हैं, प्रॉपर रेस्ट भी करते हैं, वर्कआउट भी अच्छा करते हैं, पर फिर भी 2-4 साल हो जाते हैं उनकी बॉडी नहीं बनती। तो ऐसा क्यों होता है? तो कहीं कुछ ना कुछ तो कमी ज़रूर होगी। दोस्तों देखिए, मैंने 3 चीज़ें बताई और आपको भी पता है कि बॉडी बनाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वर्कआउट, डाइट और रेस्ट। इन तीनों चीज़ों को एक एक करके समझेंगे कि किस तरह से आप अच्छी तरह वर्कआउट कर सकते हो, अच्छी तरह डाइट ले सकते हो, अच्छी तरह रेस्ट कर सकते हो। मतलब इन तीनों चीज़ों को किस तरह से आपने करना है, आप इस वीडियो में अच्छी तरह समझ जाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्कआउट की। दोस्तों, वर्कआउट में लड़के बहुत गलती करते हैं। वर्कआउट का मतलब लोग समझते हैं कि जिम गए, 1-1.5-2 घंटा एक्सरसाइज की, आ गए। एक्सरसाइज करते हो, अच्छी बात है, पर उसके तरीके को समझो। एक्सरसाइज करते टाइम कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है, तभी एक्सरसाइज का फ़ायदा मिलेगा, वरना आप 1-2 साल लगे रहोगे, आपकी बॉडी नहीं बनेगी। जो लड़के इन बातों का ध्यान नहीं रखते, उनकी चाहे प्रॉपर रेस्ट हो, अच्छी डाइट हो, पर फिर भी उनकी बॉडी नहीं बनती। तो वो कौन सी बातें हैं जो वर्कआउट के टाइम ध्यान रखें? वर्कआउट के बाद हम डाइट और रेस्ट के बारे में भी बात करेंगे। पहले वर्कआउट के बारे में बात करते हैं कि उसमें आपने क्या ध्यान रखना है। नंबर 1, देखिए, जिम में जाते ही कभी भी हैवी वेट से उठाकर एक्सरसाइज ना करें। कम से कम 10 मिनट तक वार्म अप जरूर करें। जैसे आप 5 से 7 मिनट जंपिंग जैक कर सकते हैं, 5 से 7 मिनट आप ट्रेडमिल पर नॉर्मल 4 से 5 की स्पीड पर वॉक कर सकते हैं, और हाँ, थोड़ी सी बॉडी की स्ट्रेचिंग ज़रूर करें, अपने जॉइंट्स को खोलें। देखिए, जब आप वार्म अप करते हो तो उसके बाद एक्सरसाइज करते टाइम बॉडी अच्छी पंप होती है। वार्म अप के बाद 1 से 2 सेट में ही आपकी बॉडी अच्छी पंप हो जाएगी। और सबसे खास बात है कि वार्म अप करने से इंजरी नहीं होती, तो इसलिए वर्कआउट से पहले 10 मिनट तक वार्म अप ज़रूर करें। टिप नंबर 2, आप किसी भी एक्सरसाइज के 3 सेट मार रहे हैं या 4 सेट मार रहे हैं, हर सेट में वेट ज़रूर बढ़ाएं। हमारे मसल्स को हर सेट में सेम वेट मिलेगा तो वो ग्रो नहीं होगा। हर सेट में मसल्स पर लोड डालना ज़रूरी है। हर सेट में वेट बढ़ाते जाएं, रेप कम करते जाएं। जैसे मान लिया कि आपने बेंच प्रेस लगा रहे हैं, बेंच प्रेस में आपने 60 kg के 12 रेप लगाए, तो अगले सेट में कुछ वेट जरूर बढ़ाएं। जैसे आप 65 kg रख सकते हैं, 70 kg रख सकते हैं, तो उसके आप 10 रेप लगाएं। इसी तरह हर सेट में 5, 7, 10 कुछ भी वेट बढ़ाएं, पर बढ़ाएं ज़रूर। ऐसा हर एक्सरसाइज में करें। टिप नंबर 3, हर एक्सरसाइज के हर सेट के हर रेप में मसल माइंड कनेक्शन बनाकर चलें। आप जिस भी मसल की एक्सरसाइज करते हो, उस मसल को फील ज़रूर करें। एक्सरसाइज के टाइम हर मसल को स्ट्रेच करें और स्क्वीज करें। जैसे आप मान लिया कि इंक्लाइन डंबल प्रेस लगाते हो, तो डंबल नीचे लेके आएं तो चेस्ट को अच्छे से स्ट्रेच करें, और ऊपर लेके जाएं तो अच्छे से स्क्वीज करें। हर सेट के हर रेप में मसल को फील करना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि पहले रेप से लेके 10वें रेप तक आपको मसल माइंड कनेक्शन बना के चलना है। अगर आप मसल को फील नहीं कर रहे, बस वेट मूव कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। मसल को फील करोगे तभी मसल पर लोड पड़ेगा और आपको पता चलेगा कि आप सही मसल को ट्रेन कर रहे हो। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, लेग्स, शोल्डर, सब मसल्स की एक्सरसाइज करते टाइम उस मसल्स को फील करना बहुत ज़रूरी है। मसल माइंड कनेक्शन बना के चलें। टिप नंबर 4, इस टिप में भी मैं मसल माइंड कनेक्शन की ही बात कहूँगा। अगर मसल माइंड कनेक्शन नहीं बनता तो आप एक्सरसाइज के 2-4 सेट के बाद बीच बीच में बॉडी बिल्डर की तरह पोज दें। देखिए, अगर आप बॉडी बिल्डर की तरह बीच बीच में पोज देंगे तो आपका मसल माइंड कनेक्शन ऑटोमेटिक अच्छा बनेगा। जैसे आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपने 1-2 सेट लगाए, उसके बाद बीच में आप बाइसेप्स का पोज दें। इसी तरह बैक की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 1-2 सेट बाद आप बैक का पोज दें। इसी तरह जिस भी मसल की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उस मसल का पोज दें, और उस मसल को स्ट्रेच भी करें बीच बीच में। जैसे आप चेस्ट की एक्सरसाइज करते हैं, आप चेस्ट को स्ट्रेच कर सकते हैं, उसका पोज भी दे सकते हैं। उसी तरह आप जिस भी मसल को ट्रेन करते हैं, बीच बीच में उस मसल को कभी स्ट्रेच करें तो कभी पोज दें। कोई आपको देख रहा है या नहीं, बस आपको पोज देना है, आपको स्ट्रेच करना है। टिप नंबर 5, आप जब भी कोई एक्सरसाइज करो, धीरे धीरे करो, जल्दबाजी न करें, बस वेट को ऊपर नीचे ना करें। जैसा मैंने पहले बताया, देखिए, मसल पर लोड डालते हुए एक्सरसाइज करो। धीरे धीरे नीचे लाएं, धीरे धीरे ऊपर लाएं, और मसल माइंड कनेक्शन बना के चलें। टिप नंबर 6, देखिए, आप वेट उतना लें जितना कि आप 12, 10, 8 या आप जितने भी रेप निकालना चाहते हैं उतने आराम से निकल जाएं। आराम से मतलब ये नहीं कि मसल पर लोड पड़े ही ना। अब जैसे आप बाइसेप्स कल के 10 रेप निकालते हैं तो 8 रेप आराम से निकल जाएं और 2 रेप में पूरी ताकत लगा कर निकालें। इसी तरह हर सेट में ऐसा करें। दूसरे की देखा देखी ईगो लिफ्ट ना करें, आपको इंजरी हो सकती है और कुछ नहीं होगा। टिप नंबर 7, अपना वर्कआउट खत्म होने के बाद भी 5 मिनट तक बॉडी बिल्डर की तरह पोज दें, बॉडी की स्ट्रेचिंग करें। इससे मसल्स रिलैक्स होते हैं, मसल्स बड़े बनते हैं।
टिप नंबर 8, वर्कआउट के बीच बीच में सिप सिप करके पानी जरूर पीते रहें। अगर आप BCAA ले सकते हैं तो लें, अगर आप नॉर्मल पानी लेते हैं तो उसमें थोड़ी सी चीनी और नमक डाल सकते हैं। चीनी से वर्कआउट के टाइम एनर्जी बनी रहेगी और नमक में सोडियम होता है और सोडियम से बॉडी में अच्छी तरह पंप आता है, तो वर्कआउट करते टाइम अच्छा पंप आप फील करोगे। तो इस तरह जिम में नमक चीनी वाला पानी ले जा सकते हो अगर आप BCAA नहीं लेते तो। टिप नंबर 9, वर्कआउट के बाद 15 से 20 मिनट तक प्रोटीन जरूर लें। आप एक स्कूप वे प्रोटीन ले सकते हैं या 5 से 6 एग व्हाइट खा सकते हैं। देखिए, वर्कआउट से मसल्स फाइबर टूटते हैं और उन्हें रिपेयर करने के लिए 15 से 20 मिनट के अंदर की प्रोटीन डाइट बहुत जरूरी है। इसे जरूर लें, कभी भी मिस ना करें। टिप नंबर 10, अगर आप एक मसल पार्ट को ट्रेन करते हैं तो आप सिर्फ 6 से 7 एक्सरसाइज करें। हर एक्सरसाइज के 3 से 4 सेट लगाएं और अगर 2 बॉडी पार्ट को ट्रेन करते हैं तो भी 8 से 9 एक्सरसाइज ही करें और हर एक्सरसाइज के 3 सेट लगाएं। और अगर आप फैट लॉस के लिए वर्कआउट कर रहे हैं तो वर्कआउट के बाद आप 15 से 20 मिनट तक कार्डियो कर सकते हैं, और मसल गेन करना है तो हफ्ते में 1 या 2 दिन से ज़्यादा कार्डियो न करें। पर अगर आपने कार्डियो करना है तो वर्कआउट के बाद करें, पहले न करें। पहले कार्डियो करने से एनर्जी खत्म हो जाएगी, आप हैवी वेट लिफ्ट नहीं कर पाओगे। बस एज अ वार्म अप आप 5 से 7 मिनट नॉर्मल वॉक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो बात होगी वर्कआउट की, वर्कआउट में लड़के क्या गलतियां करते हैं, इन चीजों को आपने ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं रेस्ट की। दोस्तों, हमारे मसल्स तब बड़े बनते हैं जब हम सोते हैं। देखिए, रेस्ट बहुत जरूरी है। आपने डेली 6-7 घंटे की अच्छी नींद जरूर लेनी है ताकि आपके मसल्स बड़े बन सकें। आप सोओगे, आपकी अच्छी रिकवरी होगी और अगले दिन आप जिम में हैवी वेट उठा पाओगे। आप प्रॉपर रेस्ट बहुत जरूरी है, तो इसलिए डेली 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद जरूर लें। तो फ्रेंड्स, वर्कआउट की बात होगी, रेस्ट की बात होगी, अब बात करते हैं डाइट की। डाइट में आप कार्ब्स, प्रोटीन और फैट जरूर लें। कार्ब्स आपको घर की हर चीज में मिल जाता है, वहां से आप पूरा कर सकते हो, जैसे रोटी, चावल, दाल, राजमा, दलिया, यहां से कार्ब्स पूरे हो गए, तो कार्ब्स की कोई टेंशन नहीं है। अब बात आती है प्रोटीन की। प्रोटीन घर की डाइट से पूरा करना बहुत मुश्किल है। प्रोटीन भी आपको लगभग 100-120 ग्राम के आसपास चाहिए होता है, तो वो भी कैसे पूरा कर सकते हो? उसके लिए आप हर मील में कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे आपने सुबह अंडे खा लिए, दोपहर को आपने सोयाबीन ले लिया, शाम को आपने टोफू ले लिया, आपने पनीर ले लिया, आपने चिकन फिश ले लिया, तो इससे आप प्रोटीन की क्वांटिटी पूरी कर सकते हो। आपको हर मील में 20 ग्राम प्रोटीन रखना है। जैसे आप 5 मील ले रहे हो तो हर मील में 20 ग्राम प्रोटीन रखोगे तो आपका लगभग 100 ग्राम के आसपास प्रोटीन हो जाएगा। आप पीनट बटर ले सकते हो, आप नट्स खा सकते हो, फ्लैक्स सीड्स खा सकते हो, इन चीज़ों से आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा और हेल्दी फैट भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आप डाइट के बारे में भी समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, वर्कआउट के बारे में आपने समझ गया कि वर्कआउट आपको किस तरह करना है, डाइट आपने किस तरह से पूरी लेनी है, रेस्ट आपने कैसे करना है। तो इन 3 चीज़ों को अगर आपने ध्यान में रख लिया और वर्कआउट के टाइम जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसे भी ध्यान रख लिया तो 3 से 4 महीने में आपकी अच्छी बॉडी बन सकती है। तो फ्रेंड्स, डाइट, रेस्ट, वर्कआउट सभी लोग करते हैं पर उन्हें रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि वो अक्सर यही गलतियां करते हैं जो मैंने आपको बताया, और इसी वजह से उनकी बॉडी नहीं बन पाती। तो आप इन गलतियों को न करें, वर्कआउट के टाइम इन्हें ध्यान रखें, आपको बहुत ही जल्दी और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो बॉडी बिल्डिंग की कुछ टिप्स पर। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वर्कआउट के साथ, नई जानकारी के साथ। जिसे देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।